जय हिंद। हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2024 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। ये आपको कैसे चेक करनी है वो बताया जाएगा, कैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है वो दर्ज करना है वो बताया जाएगा, और अगर आप नहीं चेक कर पा रहे आपके आंसर की तो आप मेरे द्वारा भी चेक और डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है ये आप इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से करनी है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस डेट में किन कैंडिडेट की आंसर की आएगी। तो जिनका एग्जाम 23 अगस्त में हुआ था उनकी 11 में आएगी, यानी कि 11 सितंबर में। फिर जिनका 24 में होता उनकी 12 में, जिनका 25 में होता उनकी 13 में, और जिनका 30-31 में होता उनका क्रम से 14-15 सितंबर 2024 के अंदर आंसर की आ जाएगा। और जो आंसर की अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है उसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए लास्ट डेट क्या है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको कैसे चेक करनी है वो जान लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2024 चेक लिंक ओपन करना है। देन गाइस, यहां पर आपको इसमें आपका राशन नंबर डालना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर डाल देंगे और फिर साइन इन कर लेंगे। राशन नंबर भूल चुके हैं तो फॉरगॉट राशन नंबर के ऊपर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालिएगा और फिर जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था वो डालिएगा। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहां पर गेट राशन नंबर के ऊपर क्लिक करके आपका जो राशन नंबर है वो प्राप्त करके इसमें लॉग इन हो जाइएगा। और लॉगिन हो जाने के बाद में आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो बेसिकली सबसे पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद राशन नंबर आपको देखने को मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल रहा है। अब आएगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिला था वो जो उसका बुकलेट नंबर है वो आपको यहां पर डालना है, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। गाइज, साइन इन करने के बाद में यहां पर आपके सामने आपकी आंसर की आ जाएगी, जिसमें कि आपका मिलान कर सकते। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं आपको आगे लाइव नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरे पास कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन तो है बट जो उसका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपके लिए सुबह में वीडियो बना दूंगा उसको लेकर के, क्योंकि अभी मैं रात में ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं रात के 12:09 हुए हैं। तो अगर आप चाहेंगे मैं आपके लिए पार्ट टू की वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको और भी डिटेल में इसके बारे में जानकारी दूंगा कि हाँ आपको आगे कैसे आपकी आंसर की का मिलान करना है। एंड यहां पर अगर आप मेरे द्वारा अपनी आंसर की चेक कराना चाहते हैं, डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे वो जान लीजिए। जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये आप ओपन करके सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको आपकी डिटेल्स देनी है, जैसे कि पहले आप यहां पर आपका नाम डालेंगे, फिर आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद में आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए क्योंकि यहीं पर आपको आंसर की डिटेल सेंड की जाएगी। मैसेज के अंदर आप यहां पर आपका राशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ ही आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर देंगे और फिर आप लिखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2024 और आपको ये भी बताना है कि कौन सी डेट में आपका एग्जाम हुआ था। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जितना का हो पाएगा वो आंसर की आपको चेक और डाउनलोड करके आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो ये थी गाइज आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।